कोलंबो में हुए अब तक के सबसे भयानक सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने में एक ही परिवार के चार लोग शामिल थे। श्रीलंका के एक बेहद मशहूर और रईस मसाला व्यापारी के तीन बेटे और बहू का इस ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। इन आठ आतंकियों में से दो आतंकी उसी रईस मसाला व्यापारी के बेटे हैं, जिनका नाम इंसाफ हाशिम और इल्हाम हाशिम था, जिन्होंने दो अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट किए। वहीं सुरक्षा एजेंसियां जब इस मसाला व्यापारी के घर पहुंची तो बहू ने खुद को उड़ाकर तीन पुलिसकर्मियों को भी मार डाला। मसाला व्यापारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम की बहू प्रेग्नेंट थी और जब उसने खुद को उड़ाया तब उसके दोनों बच्चे भी साथ थे। इंसाफ हाशिम और इल्हाम हाशिम का तीसरा भाई फरार है, यानी एक ही परिवार के चार लोग ईस्टर के मौके पर हुए धमाके में शामिल नजर आ रहे हैं। हमले में शामिल बाकी आतंकियों के बारे में भी बताया जा रहा है कि सभी आतंकी बेहद पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों से थे। उनमें से कुछ तो विदेशों में भी पढ़ाई करके लौटे थे। If the LTT cadres had walked into any of the five-star hotels, immediately people would have spotted them, right? But these guys who have had a foreign education, gone to good universities, very sophisticated, and they are above average. सिनेमन होटल और शांग्रीला होटल में आत्मघाती हमला करने वाले 33 साल के इंसाफ हाशिम और 31 साल के इल्हाम हाशिम श्रीलंका के बेहद अमीर मसाला व्यापारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम के बेटे थे और कोलंबो के नजदीक तीन मंजिला शानदार बंगले में रहते थे। सूचना मिलते ही जैसे जांच अधिकारी इंसाफ और इल्हाम के बंगले पर पहुंचे, इल्हाम की गर्भवती पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ खुद को उड़ा लिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि तीन पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई। That is something that we are investigating. We need to find out exactly where they were radicalized, whether it happened here or when it happened when they were studying abroad. So those are the things that we are doing the investigation on. But yeah, those templates are something that we can work on. माना जा रहा है कि इल्हाम की पत्नी ने जिस सुसाइड जैकेट से खुद को और बच्चों को उड़ाया वो किसी कॉपर फैक्ट्री में तैयार की गई थी। इस सिलसिले में शक के आधार पर एक फैक्ट्री के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इल्हाम की पत्नी ने खुद को क्यों उड़ाया ये साफ नहीं है। इतना ही नहीं, इल्हाम का एक और भाई है जो फरार है। माना जा रहा है कि अगर पुलिस इस फरार भाई को पकड़ लेती है तो इन धमाकों से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। हम लोगों को हिट कर रहे हैं, हमारे ऑनर नहीं रहने दे रही हैं, हमें कह रही हैं कि निकलो घर से आप लोग यहाँ से। ये परेशानी है कि जो बम धमाके हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमें जो श्रीलंकन लोकल हैं उन्होंने हमारे घर पर अटैक किया। इन धमाकों के बाद से श्रीलंका खासकर कोलंबो का माहौल बिगड़ने लगा है। रोजगार के लिए पाकिस्तान से श्रीलंका आए अहमदी मुसलमानों पर उनके मकान मालिक घर छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। कोई उन्हें काम देने को भी तैयार नहीं है, लिहाजा अहमदी मुस्लिम समुदाय के लोग न सिर्फ डर और दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं बल्कि उन्हें वतन वापस लौटना पड़ रहा है। मतलब हम लोगों को हिट कर रहे हैं, हमारे ऑनर नहीं रहने दे रही हैं, हमें कह रही हैं कि निकलो घर से आप लोग यहाँ से, चले जाएं जहाँ पे भी जाना है, हम आपका किराया वापस दे रहे हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं। ये परेशानी है कि जो बम धमाके हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमें जो श्रीलंकन लोकल हैं उन्होंने हमारे घर पर अटैक किया और हम जो है यहाँ से अभी जमात की तरफ से पता नहीं कहाँ पर जाएंगे, अब ये कन्फर्म मुझे। इन अहमदी मुसलमानों की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में इन्हें मुसलमान नहीं समझा जाता है और श्रीलंका में इन्हें मुसलमान समझकर बाहर निकाला जा रहा है। अब ये जाएं तो जाएं कहां? हमले में आईएसआईएस का नाम आने से यहां रहने वाले रिफ्यूजी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। आज तक ब्यूरो।